इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार यानी कि रजनीकांत का 169वीं फिल्म यानी कि जेलर का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। जिस उम्र में लोग खटिया पकड़ लेते हैं उस उम्र में सर मूवी बना रहे हैं। यह मूवी 200 करोड़ की भारी बजट के साथ बन रही है, यानी कि यह मूवी बहुत ही बड़े लेवल पर शूट हुई है। पर मेकर्स ने एक बहुत बड़ी गलती की है, जिस गलती के बारे में मैं वीडियो के लास्ट में चर्चा करूंगा। इस मूवी में रजनीकांत जो कि टाइगर के रोल में है, दो रोल जी रहे हैं। एक तो फैमिली में शांत स्वभाव वाले, से कुछ बीमारी है और इसका ट्रीटमेंट चल रहा है। इसकी फैमिली इनको मानती नहीं है और घर वाले उससे बहुत काम करवाते हैं। दूसरे रोल में रजनीकांत क्रूअल और टाइगर जैसा दिख रहे हैं, जो फैमिली प्रोटेक्टिव के रूप में दिख रहे हैं और बहुत ही एक्शन सीन्स करते हुए नजर आ रहे हैं। मूवी का ट्रेलर पहले तमिल लैंग्वेज में रिलीज किया गया था। उस वक्त लगा कि यह मूवी हिंदी में रिलीज नहीं होगी, लेकिन कुछ देर बाद इस मूवी का ट्रेलर को हिंदी में भी रिलीज कर दिया गया, यानी कि यह मूवी हिंदी में भी रिलीज होगी। रजनीकांत सर की इस मूवी में एक बैक स्टोरी है, जिसमें वो जेलर के रोल में है, जो कि एक स्ट्रिक्ट जेलर है, जो किसी के सुनते नहीं है और अपना काम बखूबी निभाते हैं। और अभी वर्तमान की ज़िंदगी में यह एक गैंग को लीड कर रहे हैं। इनका अपना गैंग है जो दुश्मन से लड़ रहा है, अपना बेटा जो पुलिस में है उसका प्रोटेक्ट कर रहा है, उसकी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहा है। इस मूवी का स्टोरी शाहरुख खान की दिलवाले और कमल हसन की विक्रम जैसी लग रही है थोड़ी बहुत। इस मूवी के विलेन के रोल में विनायकन और जैकी श्रॉफ पूरी फिट बैठ रहे हैं। जैकी का पाला रजनीकांत से पहले ही पड़ चुका है, इसलिए उसको पता है कि इसकी शक्ति क्या है या क्या कर सकता है। इस मूवी का एक सॉन्ग कावालयम पहले ही रिलीज हुई थी, जो अभी तक ट्रेंडिंग में चल रही है। इसे सोशल मीडिया पर लोगों द्वारा बहुत पसंद किया जा रहा है। इस सॉन्ग में तमन्ना अलग अंदाज में डांस करती हुई नजर आ रही हैं। इस मूवी में बहुत सारे कास्ट हैं, जैसे कि रजनीकांत, मोहनलाल, जैकी श्रॉफ, रमैया कृष्णन, विनायकन, तमन्ना भाटिया के साथ साथ और भी कई एक्टर हैं। इस मूवी के मेकर्स ने एक बहुत बड़ी गलती यह की है कि इस मूवी को 10 अगस्त को रिलीज कर रहे हैं, क्योंकि अगले ही दिन ओह माय गॉड 2 और गदर 2 भी रिलीज हो रही है। और तीनों बड़े बड़े एक्टर की मूवी है और तीनों का हाइप सोशल मीडिया पर बहुत बना हुआ है। ऐसे में तीनों मूवी का कलेक्शन में तो जरूर काफी गिरावट आएगी। अगर मूवी को शेड्यूल करते तो मूवी के लिए बहुत बेटर होता। देखते हैं कौन सी मूवी बाजी मारती है। आप किस मूवी को देखने जाने वाले हैं कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगले किसी बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए।